जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिकें बताने वाला हूं कि जितने भी जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। जितने भी साइंस मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो इसको सॉल्व कर लेते हैं लेकिन आर्ट्स वाले नहीं। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में साइंस मैथ का या कोई से भी सब्जेक्ट का लड़का रहे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं दे सकता जितना कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने कई बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में देखे होंगे या जो ओल्ड पेपर आप देखोगे कंपटीशन के उनमें इस प्रकार के बहुत एग्जाम हैं, बहुत ही क्वेश्चन है। तो हर बार कोई ना कोई कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। आज मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ किस प्रकार से इसका आंसर केवल एक सेकेंड में निकाल सकते हो। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर 100 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 100 बराबर 12 है। तो एक्स की पावर 100 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 100 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, 12 इसका स्क्वायर कर देना है, 144। अब अगर इधर माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, 144 माइनस 4 कर देना है। ये 4 हमेशा करना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में माइनस, अगर इधर माइनस का चिन्ह है। अगर इधर प्लस का चिन्ह होता तो इसमें प्लस कर देते, तो कितने आ जाएगा, 140, और इसके ऊपर रूट लगा देना है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये बस एग्ज़ाम में आपको देखते हैं एक सेकेंड में करने वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसी प्रकार का ये अगला क्वेश्चन है, एक्स की पावर 99 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 99 बराबर 5। तो एक्स की पावर 99 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 99, यानी यहाँ पे भी माइनस है। तो करना क्या है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। करना क्या दोस्तों, 25 माइनस 4, ये 4 फिक्स है, ठीक है। तो इसको क्या करना, माइनस 4 तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 21, और इस पर रूट लगा देना है। ये आपके आंसर, मतलब आप केवल एक सेकंड में निकाल सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही, ठीक है। कोई भी गाइड में इस प्रकार के क्वेश्चन देखो, इस प्रकार से कर देना, आपका आंसर 100% राइट निकलेगा। अब देखो इसकी जो दूसरी टाइप प्लस वाला, वो तो देखो दोस्तों इसमें क्या है, एक्स की पावर 20 माइनस एक्स की पावर 1 बटा एक्स की पावर 20 बराबर 10 बराबर आ रखें 10। तो करना अब नीचे क्या है, एक्स की पावर 20 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 20, इसमें क्या रखा है दोस्तों, नीचे प्लस आ रखा है। इतनी देर नीचे क्या रखा था दोस्तों, माइनस। तो माइनस में क्या किया था हमने, माइनस 4, इसमें क्या करना है, प्लस 4। करना क्या है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 प्लस 4 बराबर 104, और यही रूट लगा देना, यह आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। बिल्कुल एक सेकेंड में कर सकते हो आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखते ही। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपने बहुत देखे होंगे, ये इसकी सरल टाइप है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं SSGD के एग्जाम में या पुलिस के एग्जाम में, कॉन्स्टेबल के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें क्या कर रखा है, एक्स प्लस 1 बटा एक्स की बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसमें इस समीकरण को खोल के करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है सीधी सी। क्या करना है दोस्तों, संख्या, यानी जो ऊपर जो संख्या दी गई है इसका क्या करना है, जो संख्या है इसका स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इन दोनों में तो माइनस 2 करना है, और अगर इधर माइनस का चिन्ह हो तो प्लस 2 करना है, यानी इधर प्लस माइनस होते हैं। तो क्या करना है, 16 माइनस 2 बराबर 14, ये 14 आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें रूट नहीं लगाना, ध्यान रखना इसमें रूट नहीं लगाना है, ये इसमें 14 सीधा आंसर रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें पावर सेम होती है, इसमें पावर सेम नहीं है। इसमें देखो एक्स है, इधर एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर होने की वजह से इधर वो रूट था, उसमें एक्स स्क्वायर नहीं था, उधर पावर सेम थी इसलिए रूट लग रहा था, इसमें इसलिए रूट नहीं लग रहा दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसका थोड़ा सा हल्का जो हार्ड वर्जन होता है उसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 4, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4। अब कई लोग इसमें क्या घबरा जाते हैं, एक्स की पावर 4 आ रखी, इसमें क्या किया हुआ है, दो बार स्क्वायर किया हुआ है। तो आपको वही सूत्र जो मैंने बताया, वही ट्रिक दो बार काम में लेनी है, संख्या का स्क्वायर माइनस 2। तो पहले संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा इसमें, तो क्या होगा, संख्या का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, माइनस 2, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14। फिर इसी को दोबारा कर लेना है, 14 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 196 माइनस 2 बराबर 194, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल चुटकियों में आप कर सकते हो दोस्तों। अब उसी में एक और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसमें है दोस्तों कि x प्लस 1 बटा x बराबर 2, तो x क्यूब प्लस 1 बटा
एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, उसमें स्क्वायर चल रहा था और इसमें क्या दोस्तों क्यूब, तो क्यूब वाले में क्या करना है, उसमें हम संख्या क्या क्या कर रहे थे स्क्वायर, तो इसमें संख्या क्या क्या करना है दोस्तों क्यूब, और माइनस संख्या कर रहे थे उसमें, इसमें इंटू तीन कर देना है, बस ईजी है। जैसे दो यानी दो का क्यूब माइनस तीन इंटू दो, इस प्रकार से लिख देना और हल कर देना है, तो क्यूब कितना आठ माइनस छः बराबर आपका आंसर हो जाएगा दो, बस चुटकियों में चाहे कैसा भी क्यूब हो। इधर माइनस करना है क्योंकि इधर प्लस का चिन्ह है, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो प्लस करने। देखिए दोस्तों एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर पाँच, तो एक्स क्यूब माइनस एक बटा एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, इधर माइनस का चिन्ह है, आप देखिए उसमें प्लस का चिन्ह था और इसमें माइनस का चिन्ह है, भले दोनों में से कोई सा भी माइनस का चिन्ह हो तो क्या करना, संख्या का क्यूब, तो पाँच पाँच का क्यूब प्लस पाँच इंटू तीन, यानी संख्या इंटू तीन फिक्स करना है, ये फिक्स है, तो क्या करना क्यूब कितना हो जाएगा 125 प्लस, तो दोस्तों इसमें क्या करना, पाँच का क्यूब कितना हो जाएगा 125 प्लस 15 बराबर 140, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यान रहे, एग्जाम में बिल्कुल सेकंडों में आप क्वेश्चन कर दोगे दोस्तों। जय हिंद।